एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकेंड, जो एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम ली गई थी 2020 में जो हुई है, उन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है मॉर्निंग में, तभी हम पार्ट सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एम्स से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में भी, आपको टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम पे, एंड आपको मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां भी कुछ आपको पोस्ट कर दी जाएंगी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। अभी आपके पास बहुत कम समय है, एग्जाम का डेट भी जारी कर दी है, तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसे यही पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके एग्जाम जो लिया गया था, एग्जाम हेल्ड ऑन 7 फरवरी 2019 का क्वेश्चन अपलोड कर दी गई है, जो 100 क्वेश्चन अपलोड किया गया है इसी चैनल पे आपको मिलेगी, एंड आपको एंड स्क्रीन में भी आपको दे दी जाएगी। इसका पार्ट फर्स्ट भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी पूछा था सारे क्वेश्चन को अपलोड कर दी गई है, इसको आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको लास्ट में वीडियो के अंत में ये भी आपको मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, डियर देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया गया है इसमें, वाइटोट स्पोर्ट एंड जीरो पैथलेमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आपका विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूट्रिशन का टॉपिक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूछा है। न्यूट्रिशन से भी आपका एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या पे वाइटोट स्पोर्ट एंड जीरो पैथलेमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से ये आपको देखने को मिलेगा। वाइटोट स्पोर्ट हो गया आपका, और आपका जीरो पैथलेमिया, ये चीजें कौन सी विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से। तो ऑप्शन सी में आपके पास है रिबोफ्लेविन, बी में है थायमिन, सी में विटामिन सी, एंड डी में है विटामिन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको विटामिन से रिलेटेड जितने भी अनदर नेम होता है सभी विटामिन का डेफिशिएंसी जरूर आपको एक बार देख लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी होगा, विटामिन ए, विटामिन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया यहाँ पे देखिएगा, इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स है, मेंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन द स्कार इज मोर देन, स्कार जो बनेगा वो भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, उसका जो मेंटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट की जा रही है उसमें स्कार कितने मिलीमीटर का बनेगा, स्कार जो बनेगा डियर कितने मिलीमीटर का बनेगा, कितने मिलीमीटर का बनेगा, वो भी एचआईवी पॉजिटिव है। देखिएगा एचआईवी पॉजिटिव है तो कितने मिलीमीटर का आपका बनेगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 5 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, या फिर 11 मिलीमीटर, या 15 मिलीमीटर। चार ऑप्शन दिया गया, देखिएगा 5, 7, 11 और आपके पास है 15। चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, कितने मिलीमीटर का स्कार बनेगा, ये स्कार पूछा है, स्कार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें राइट जो होगा ऑप्शन सी होगा, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा, क्लासिक साइन ऑफ पाइलोरिक एस्टेनोसिस इज चाइल्डिश, पाइलोरिक एस्टेनोसिस इज चाइल्डिश, क्लासिकल साइन पूछा है पाइलोरिक एस्टेनोसिस। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है डियर, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग या फिर पाइलोरिक एस्टेनोसिस, एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे पाइलोरिक एस्टेनोसिस की क्वेश्चन किया गया है, वो भी आपका इन चाइल्ड में, इन बच्चे में। तो इसमें ऑप्शन सी में डायरिया, ऑप्शन बी में वोमिटिंग, सी में आपके पास है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, एंड डी में डिहाइड्रेशन, डी में डिहाइड्रेशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो इसमें राइट जो होगा ऑप्शन सी होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सी इज करेक्ट आंसर, इसमें सी आएगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं।
अ पेशेंट इज इन सीवियर डिस्निया, क्या है उसको? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी है सांस लेने में, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, डिस्निया है, सीवियर डिस्निया हो भी, माइल्ड मॉडरेटली सीवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन नर्स गिव द पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन नर्स के द्वारा दी जानी चाहिए सीवियर डिस्निया वाले, यानी सांस लेने में बहुत ही ज्यादा पेशेंट को दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट को दिक्कत है, तो कौन सा होगा? राइट आंसर आप लोग पुट कीजिएगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पे सीवियर डिस्निया है, यहाँ पे सीवियर डिस्निया लिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? सुपाइन पोजीशन होगा, या फिर लेफ्ट लेटरल होगा, या फिर फॉलर पोजीशन में होगा देना चाहिए, या फिर टेंडर बर्म पोजीशन देना चाहिए। चार ऑप्शन है डियर। अस्थमा और डिस्निया से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिए ताकि इसे आप पढ़ लीजिएगा, और आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा। स्किल बेस्ड क्वेश्चन में डियर कुछ दिन के बाद मैं अपलोड करूंगी, दो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल में, स्किल बेस्ड से रिलेटेड सारे जितने भी स्किल बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में भी। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा आपका, क्योंकि डिस्निया से रिलेटेड सांस लेने में दिक्कत है, ऑप्शन सी आएगा, इसे फॉलर पोजीशन होगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, फॉलर पोजीशन, फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, विच पोजीशन विल यू गिव इन या लंबर पंचर पोजीशन, लंबर पंचर क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा लंबर पंचर प्रोसीजर दी जा रही है, लंबर पंचर प्रोसीजर की जा रही है, तो कौन सी पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में रखना पेशेंट को? सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, या सी शेप पोजीशन, या फिर प्रोन पोजीशन, या फिर प्रोन पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंबर पंचर को दो तरीके से, या तो लेटरल या फिर आपको सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लेटरल, लेटरल। सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस इज, टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया, यदि रेंजेस में आता है तो 3 to 21 days होता है, 3 to 21 days। इसमें देखिए ऑप्शन ए में 5 days, बी में 10 days, सी में है 15 days, और डी में है 20 days। चारों को, चारों ऑप्शन में 3 to 21 के अंदर में लगेगा कि चारों ही राइट होगा, चारने में तो बी सी और डी में कंफ्यूजन होगा, जिसमें राइट आंसर क्या होगा? 3 to 21 days इसकी रेंजेस लिया जा रहा है, 3 से 21 दिन तक हो सकता है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपको ऑप्शन सी होगा, 15 days, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका, देखिएगा डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसी, टेटनस, तीन वैक्सीन जो दी जाती है उसमें आपका पी का स्ट्रेंथ पूछा है, पी का स्ट्रेंथ पूछा है। ट्रिकी क्वेश्चन है डियर, देखिएगा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोलियोमेलाइटिस, बी में ऊपिंग कफ है, सी में मिजल्स है, डी में डिप्थेरिया है, क्योंकि यहाँ पे पी का स्टेन पूछा, पी का फुल फॉर्म क्या होता है डीपीटी में, तो क्या होता है? पी का पर्टुसिस होता है, और पर्टुसिस का दूसरा नाम क्या से जानते हैं हम लोग? ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्सेट में पूछा जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, ऊपिंग कफ के नाम से भी हम जानते हैं, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इन आईसीयू नीड्स अर्जेंट सीपीआर, पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत क्या हो रहा है? सीपीआर की, सीपीआर देना पड़ रहा है। विच ऑफ दी फॉलोइंग कोड इज यूज टू कॉल इमरजेंसी, कौन सी कोड यूज किया जाएगा इमरजेंसी के लिए सीपीआर टीम को, सीपीआर टीम के लिए कौन सा कोड, कौन सा कोड आएगा डियर? सीपीआर टीम, देखिए यहाँ पे सीपीआर टीम के लिए तो ब्लू कोड आएगा, कोड रेड आएगा, कोड ब्लैक आएगा, कोड ब्लू आएगी, या कोड पिंक आएगा, सीपीआर है, सीपीआर को देना जरूरी है, और आपको कॉल करके बुलाना है इमरजेंसी की, इमरजेंसी टीम में, इमरजेंसी सीपीआर टीम को। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, कोड ब्लू, कोड ब्लू होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, अब पेशेंट्स नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट्स नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, बट नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग साइज कैनूला, देखिए डियर कैनूला से, कैनूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैनूला से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कैनूला से, कैनूला की साइज पूछा जाएगा, बच्चे में कौन सी साइज यूज करेंगे, अडल्ट में कौन सी साइज यूज करेंगे, उसकी कलर कोडिंग पूछा जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर का, 18 नंबर का,
20 नंबर फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे 22 नंबर का। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका, राइट आंसर जो होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे साइज पूछा भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 18 नंबर। 18 नंबर कैनुला को हम सर्जरी में भी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि स्लाइन अच्छे से तरीके से जाए, रुक रुक के ना, बीच में ना रुक जाए, इसलिए प्रॉपर तरीके से स्लाइन इससे जाती है, फ्लूड वगैरह भी और ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करते हैं 18 नंबर से। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ ऑप्शन बी हुआ, बी इज करेक्ट आंसर। अभी 18 की जगह 16 भी होता तो राइट 16 नंबर आते हैं, लेकिन 20 22 इसमें नहीं आएगा और ऑप्शन बी आएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पे देखा जाए विच फ्लूड्स इज यूज टू फ्लश आईवी लाइन, यूज टू फ्लश आईवी लाइन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो गया उसके बाद जो आईवी की लाइन को आप फ्लश करोगे तो कौन सी फ्लूड से करोगे, कौन सी फ्लूड से करोगे, एनएस से करोगे, आरएल से करोगे, जीडीडब्ल्यू 5% से करोगे, डेक्सट्रोज 5% या फिर डीएनएस, या फिर डीएनएस। राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन ये होगा एनएस नॉर्मल स्लाइन 0.9% से, नॉर्मल स्लाइन से करेंगे हम, किससे करेंगे, फ्लस नॉर्मल स्लाइन से एनएस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मिक्स इन अ स्मॉल अमाउंट विद ए बी जी ब्लड सैंपल सीरीज, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मिक्स, क्या है मिक्स इन अ स्मॉल अमाउंट में, निम्नलिखित में से देखिएगा मिक्स इन अ स्मॉल अमाउंट विथ किसके साथ, ए बी जी आरटीएल ब्लड गैस जो है ब्लड सैंपल सिरिंजेस, तो नॉर्मल सिरिंज, हेपरिन, इंसुलिन या कैल्सियम ग्लूकोनेट, किसको मिक्स करोगे, मिक्स करना स्मॉल अमाउंट में विथ किसका, एबीजी ब्लड सैंपल सिरिंज के लिए, एबीजी का जब ब्लड सैंपल ली जाएगी एबीजी टेस्ट के लिए, तो इसमें आपका नॉर्मल वैल्यू क्या है एबीजी का, बहुत जरूरी है डियर, एबीजी एक टॉपिक आप नोट कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और एबीजी का नॉर्मल वैल्यू और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सबसे क्वेश्चन भी आता है, चार ऑप्शन दे दिया जाता है, राइट आंसर कौन सा होगा, रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक में दोनों में। इसमें देखिएगा नॉर्मल स्लाइन होगा, हेपरिन होगा, इंसुलिन को करेंगे या कैल्सियम ग्लूकोनेट को करेंगे, तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, हेपरिन, हेपरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अ मैन कम्स टू द हॉस्पिटल हिज हिस्ट्री इज फर्स्ट, देखिए एक क्या है इसका अबोर्शन 2 years बैक, 2 साल पहले उसका क्या है फीमेल का अबोर्शन हो चुका था, वन ट्विंस बेबी एंड नाउ सी इज प्रेग्नेंट, मतलब एक उसका बच्चा हुआ जो अबोर्शन के बाद, उसके पास 2 बच्चे हैं लेकिन ट्विंस हुआ, एक ही बार हुआ है, 2 बच्चे हुआ है और प्रेग्नेंट, नाउ सी इज प्रेग्नेंट, अभी जो जब दिखाने एनसी के लिए आई आपके पास वो प्रेग्नेंट है, तो GTPAL क्या आएगा इसका स्कोर, क्या आएगा, GTPL का फुल फॉर्म क्या होगा डियर, GTPL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका क्या होता है ग्रेविडा होता है, जी का ग्रेविडा आता है, ठीक है ग्रेविडा आएगा, और आपका इसका क्या आएगा, टी का क्या आएगा, टर्म बेबी आएगा, टी में क्या होगा टर्म, ठीक है टर्म आ जाएगा, और आपका इसका देखा जाए टर्म होगा, पी का मतलब पारा या फिर पैरिटी, और ए का मतलब आवश्यक, और एल का मतलब लाइफ, एल का मतलब लाइफ, ये जी टी पी एल पूछा है, यानी उसके पास देखा जाए तो 3 बार हुआ, 1 बार अबोर्शन हुआ, 1 बार 2 बच्चे हैं उसका ट्विंस बेबी हो चुका, और आपका प्रेग्नेंट है, सी इज नाउ प्रेग्नेंट, अब अभी भी प्रेग्नेंट है, 3 हुआ, ग्रेविडा कितना हुआ 3 हुआ, उसके बाद देखा जाए टर्म बेबी कितना हुआ, 1 ही हुआ, बच्चे 2 हुए भले हुए लेकिन 1 ही बार टर्म बेबी हुआ ना, उसके पास डिलीवरी 1 बार हुआ, तो टर्म कितना हुआ आपका 1 बार हुआ, टर्म कितना हुआ 1 बार हुआ, टर्म बेबी 1 बार, ठीक है। उसके बाद पैरिटी और पैरा की बात किया जाए, वो भी आपका क्या आएगा 1 बार आएगा, तो पी कितना बार आएगा, 2 बच्चे हैं उसके पास लेकिन 1 आएगा, और आपका अबोर्शन कितने बार हो रहा है 1 बार हो रहा है, अबोर्शन कितने बार हुआ 1 बार हुआ, और आपकी लाइफ, लाइफ क्या समझिए कि मतलब उसके पास कितने बच्चे जीवित हैं, तो उसके पास ट्विंस बेबी है तो कितने बच्चे हुए 2, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए कि ग्रेविडा 3 है देखिए, और टी 1 है, पी 1 है, ए 1 है, एल 2 है, तो ये ऑप्शन 4 में से किस में आ रहा है, तो ग्रेविडा 3, टी 1 और पी 1, ए 1, एल 2, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, ये इज करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऑप्शन गैनिस रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ऑप्शन गैनिस से, एपिजिटोमी से आएगा आपका, अबोर्शन से आते हैं, एमटीपी एक्ट से आता है आपका, एनीमिया से आता है, थेरेप्यूटिक
डोज क्या होगा, प्रोफिलैक्टिक डोज क्या होगा, ये सब टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन या न्यूबॉर्न बेबी व्हाइट चीजेस लेयर ओवर द स्किन दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? न्यूबॉर्न बेबी में क्या पूरी बॉडी में क्या हो गया, व्हाइट व्हाइट सफेद पूरे आपको स्किन पे शो हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मीलिया, वर्निक कैस्यूसा, व्हाइट स्पॉट या बाइटोड स्पॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, वार्निस कैस्योसा, वार्निस कैस्योसा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा जाए कैटगट सूचर इज विच टाइप ऑफ सूचर, कैटगट सूचर की बात किया है, कौन सी टाइप की सूचर कहलाती है, तो नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर, या फिर नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर, या सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर, या फिर सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर, या फिर सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर, ये आपका नेचुरल होता है और ऑब्जर्वेबल सूचर होता है, आप जो आप कर लेता है, ये नेचुरल और ऑब्जर्वेबल सूचर होता है। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फ्लूड सॉल्यूशन कॉजेस फ्लूड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड वेसल, फ्रॉम किसे, फ्रॉम टिश्यू से ब्लड वेसल, फ्रॉम टिश्यू से ब्लड वेसल। देखिए विच टाइप ऑफ फ्लूड, कौन सी प्रकार की फ्लूड जो सॉल्यूशंस कॉजेस, क्या है कारण किसका, फ्लूड शिफ्ट फ्रॉम, फ्लूड को क्या करना, शिफ्ट करना फ्रॉम किसे, टिश्यू से ब्लड वेसल तक। तो एसिटोनिक को करोगे एसिटोनिक, या हाइपरटोनिक को, या हाइपोटोनिक को, या ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चनर इज यूज्ड इन अल्कोहिज्म, क्वेश्चनर हो रहा है और यूज क्या कर रहा है अल्कोहिज्म में, अल्कोहिज्म में कौन सी क्वेश्चनर को हम यूज करेंगे निम्नलिखित में से, सीटीजी को करेंगे, सीएजी को करेंगे, बीएजीई को करेंगे, या सीजीएई को करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो राइट आएगा आपका, राइट आएगा इसमें जो राइट आएगा आपका, तो ऑप्शन इसमें बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, बी आएगा इसमें, सी ए जी ई, सी ए जी, बी आंसर इसमें राइट होगा बी। तो यहाँ पे सी ए जी का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं, तो इसमें देखा जाए आपका क्या होगा, कट, क्या होगा इसमें कट, और आपकी कट डॉन, कट क्या होता है, कट डॉन, ठीक है, सी का कट डाउन होगा, ई का एनॉन होगा, देखिएगा ए एनॉन, और ठीक है ये आ गया ए का, और आपका जी का मतलब गिल्टी फील होता है, और एंड का, एंड ई का मतलब आई ओपनर, ई का मतलब आई ओपनर, यानी क्या हुआ, कट डाउन, एनॉन, गिल्टी एंड आई ओपनर। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म हुई है, राइट आंसर इसका बी हुआ, राइट आंसर इसका बी हुआ, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन इज बेस्ड ऑन, जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे को आप असेस करते हैं किसके वजह में करते हैं, किसके, कैसे आप जानेंगे बच्चा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित बच्चा है, कैसे हम कह सकते हैं, कैसे समझेंगे, तो वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज, या बॉडी मास इंडेक्स, या फिर आपका डाइट सी, या फिर उसका डाइट सी, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, आप कैसे कहेंगे कि बच्चा कुपोषित है, उसका वजन के अनुसार हाइट होना चाहिए, जितना हाइट है उतना वजन होना चाहिए, या फिर एज के अनुसार वजन होना चाहिए, या फिर बॉडी मास इंडेक्स से बीएमआई से आप करते हैं, या फिर डाइट से करते हैं, या फिर डाइट से करते हैं, तो इसको हम माल न्यूट्रिशन किस बेस्ड पे हम आधारित करते हैं कुपोषित बच्चे को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा राइट आंसर। यहाँ जो लिया गया है शायद देखिए बॉडी मास इंडेक्स, या फिर वेट फॉर एज, या वेट फॉर हाइट, इसका जो भी कमेंट राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये ऑप्शन इसमें लिया गया है, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, यानी उसका हाइट के अनुसार उसकी वजन कितनी है, इसके अनुसार देखा जाता है कि उसका जितना हाइट है उतना वजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन ए हुआ,
और आप लोग का ऐसा लग रहा है इसमें आंसर दूसरा होगा तो आप लोग पुट कीजिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड बाय WHO आफ्टर ब्लड देखिएगा एज प्लेस इन हॉस्पिटल। तो यहाँ बेटाडीन या फिर 70% अल्कोहल सॉल्यूशन या सोडियम हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड, कौन से सॉल्यूशन को रिकमेंडेड किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ब्लड स्प्रेज इन हॉस्पिटल के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट होगा सी। इसमें सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स शुड चेक फीटल हार्ट रेट इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर एवरी, लेबर आफ्टर एवरी एवरी कितने मिनट के बाद, प्रत्येक कितने मिनट के बाद फीटल हार्ट साउंड सुनना है नर्स को, चेक करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 45 मिनट या फिर 45 मिनट। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा एवरी 15 मिनट। एवरी 15 मिनट हर एक प्रत्येक 15 मिनट में क्या करना है, चेक करते रहना फीटल हार्ट साउंड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड स्पंज गॉज पीसेस आर डिस्कार्डेड इन विच कलर डस्टबिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड स्पंज गॉज की बात किया है, किसमें रखेंगे, व्हाइट में, ब्लैक में, येलो में, रेड में। ब्लड से रिलेटेड किसमें जाएगा आपका, तो ऑप्शन इसमें सी आएगा येलो, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट द नर्स डिस्कार्ड सिरिंज विदाउट नीडल इन विच कलर ऑफ डस्टबिन, विच कलर ऑफ डस्टबिन। विदाउट नीडल की बात कर रहा है यानी प्लास्टिक की है, यानी प्लास्टिक की है, डिस्कार्ड सिरिंज है, रेड में रखाएगा, येलो में रखाएगा, व्हाइट में जाएगा या ब्लू में जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें जो होगा ऑप्शन ये होगा रेड में। नेक्स्ट है, बिफोर गिविंग ECT टू द पेशेंट एंड एनेस्थेसिया गिव पेथिडिन फॉलोइंग सर्सिनाइल कोलीन, व्हाट इज द पर्पस, किसके लिए, एनेस्थेसिया के लिए या मसल रिलैक्सेंस या टू प्रोटेक्ट सीजर या एनेस्थेसिया मसल रिलैक्सेंस, एनेस्थेसिया मसल रिलैक्सन। यहाँ पे पेथिडिन देखिएगा, फॉलोइंग देखिएगा, सर्सिनाइल कोलीन। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन क्या होगा, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसकी राइट क्या आएगी, किसके लिए देंगे। तो इसमें आपका जो भी राइट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर। राइट आंसर इसमें जो होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज करेक्ट टू गिव इन मोंटॉक्स टेस्ट PPD इन या पेशेंट, इसमें राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी आंसर इसे राइट कमेंट बॉक्स में कीजिए, राइट आंसर इसमें क्या होगा कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। चार ऑप्शन है, पढ़िए आप लोग इसमें राइट क्या होगा। तो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या फिर आपका इंटरडर्मल या सबकुटेनियस, मोंटॉक्स टेस्ट की जा रही है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, मोंटॉक्स टेस्ट की जाती है आपका इंट्राडर्मल, क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इंट्राडर्मल सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी सी आएगा इसमें राइट। नेक्स्ट है, मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर चेकिंग पल्स रेट इन लास्ट, मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछा है, सबसे ज्यादा कितना देर तक हम पल्स रेट को चेक कर सकते हैं, 5 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक या 30 सेकेंड तक। चार ऑप्शन है डियर, आप लोग भी पुट कीजिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछा है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट होगा, सी इसमें क्या होगा राइट। नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ वेगस स्टिमुलेशन ऑन हार्ट इज डिक्रीज हार्ट रेट,
या फिर आपका डिक्रीज हार्ट रेट होगा या इंक्रीज हार्ट रेट होगा या नो इफेक्ट होगा या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ वेगस स्टिमुलेशन ऑन हार्ट इज। इसमें भी राइट आंसर आप लोग पुट कीजिएगा, इसकी राइट आंसर आप लोग पुट करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, द करेंट मेथड इज यूज्ड इन सीपीआर। करेंट मेथड पूछा गया सीपीआर के लिए, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ये हुआ ए बी सी, ए बी सी राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें क्या हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सीपीआर देखिएगा, दिस क्यूरर गिवन ब्रेथ टू द पेशेंट आफ्टर इज, पेशेंट आफ्टर इज 6 to 8 सेकेंड या 10 to 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 22 सेकेंड। ड्यूरिंग द सीपीआर, सीपीआर के दौरान रेस्क्यूअर गिव ब्रेथ टू द पेशेंट आफ्टर इज, प्रत्येक कितने सेकेंड्स के बाद उसे थोड़ा सा रेस्ट देना। तो यहाँ पे गिव ब्रेथ कितना, रेस्क्यूअर गिव ब्रेथ, तो ऑप्शन डी होगा 22 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए होता है, 20 to 20 सेकेंड है, तो राइट आंसर ये हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट होगा आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट। बेनिफिट देखिएगा, केएमसी से बारे में पूछा है, केएमसी से बारे में पूछा है, कंगारू मदर यहाँ पे केयर मिस हो गया है, एक्सेप्ट में पूछा गया डियर, तो ऑप्शन सी में स्ट्रॉन्ग चाइल्ड मदर बॉन्ड, ये तो होगा ही, इंक्रीज लैक्टेशन भी होता है, और आपको सी में मिनिमाइज पीपीएच है, और डी में यूजफुल इन हाइपोथर्मिया, यूजफुल इन हाइपोथर्मिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेप्ट में पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों को हाइपोथर्मिया से बचाना ही है, लैक्टेशन बढ़ जाता है, उसको लैक्टेशन देना ताकि बच्चा का वेट वगैरह बढ़े और मदर और बेबी का बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मिनिमाइज पीपीएच किया, जब डिलीवरी के दौरान जब पीपीएच होता है तो उसको मेडिसिन से थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से क्या करते हैं, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या फिर पेशेंट को हम क्या करते हैं, रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा डियर, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आईयूसीडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होगा, कॉन्डम होगा या फिर डायफ्राम होगा, क्योंकि चार ऑप्शन दिया गया डियर, तो इसमें से एक्सेप्ट ने पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, अरे भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बोला, ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, आईयूसीडी। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्सिस है, इसको आप डिलीवरी के बाद भी लगा सकते हैं 48 आवर्स के अंदर पीपीआईयूसीडी, और ये 7 डेज के अंदर अंदर मतलब पीरियड्स के विद इन 7 डेज के अंदर आईयूसीडी हम इंसर्ट करते हैं, विद इन 7 डेज में आईयूसीडी और पोस्ट पीपीआईयूसीडी कब करते हैं, इसको आप 48 आवर्स मतलब आफ्टर 48 आवर्स डिलीवरी के। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी के 48 आवर्स पीपीआईयूसीडी, और ये याद रखिएगा विद इन 7 डेज आईयूसीडी। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, इमरजेंसी में आपका ये आता है, कंडोम भी बैरियर मेथड है, आइडियाफ्राम भी ये भी बैरियर मेथड है, जो कि हमारा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, और इस क्या ये बिल्कुल ही जो बना होता है सिलिकॉन से बना होता है, और ये क्या रहता है सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सीबल होती है, डायफ्राम जो होती है फ्लेक्सीबल होता है, बिल्कुल उभरा उथला हुआ होता है, तो ये आपका डायफ्राम में ये भी आपका एक बैरियर मेथड में आता है, कंडोम और डायफ्राम, जिसे हमारा क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने से बचा लेता है। तो राइट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, आईयूसीडी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आईयूसीडी जब हम किसके किस कौन-कौन से के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आफ्टर अबॉर्शन, एलएससीएस या बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सब का सब होगा कॉन्ट्राइंडिकेशन, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आफ्टर डिलीवरी ऑल ड्रग आर यूज्ड टू स्टॉप पोस्टपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। देखिए तीन ही ऑप्शन है यहाँ पे डियर, दो मेडिसिन होगा जिसको हम डिलीवरी के बाद पीपीएच को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक को नहीं कर सकते, लेकिन एक को नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग भी राइट कीजिए। देखिए क्या क्या ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में है
राइट आंसर इसमें जो होगा आपका, देखिए ऑक्सीटोक्सिन को यूज तो हम करते हैं, मीटार्जिन को भी यूज करते हैं, अट्रोटावेरिन भी कहाँ पे यूज किया जाता है, ये जो होता है एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स है, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स है। यहाँ पे पीबीएस की बात किया है, और ये एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स होता है जिसको हम यूज करते हैं सर्वाइकल को डायलेट करने में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, और रिलीव स्मूथ मसल स्पाजम होता है। इसके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट करते हैं, यूरिनरी सिस्टम में करते हैं, गॉल ब्लैडर में करते हैं, ये सब में हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं, लेकिन पीपीएच में से यूज नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ड्रग ऑफ च्वाइस फॉर सीजर इन चिल्ड्रेन इज, सीजर के लिए कौन सी ड्रग होगा जिसे हम डीओसी, सीजर के लिए भी बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ए में आपका फिनोटीन, यहाँ पर देखेगा फिनेटोइन, बी में डाइजीपाम, सी में बार्बिट्यूरेट, एंड डी में मिडाजोलम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, मिडाजोलम, डी इज करेक्ट आंसर, डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंट इज एडमिटेड विथ सी एच एफ, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एडमिटेड किया गया है वार्ड में। When auscultating patient's lungs, which type of sound you hear? कौन सी टाइप की साउंड आपको लंग्स से सुनाई देगा? Auscultating patient lungs, which type of sound you hear? वहां पे क्या सुनाई देगा? CHF वाले पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर वाले, तो वीजिंग होगा, क्रैक होगा, स्ट्राइडर होगा, लॉर्ड साउंड आएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्रैक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू इंसुलिन डोजेस, कितना डिस्टेंस बिटवीन होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए टू इंसुलिन डोज, जब लगाया जा रहा है टू इंसुलिन डोज दी जा रही है, कितना दूरी में देना चाहिए? 2.5 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों अलग है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, 2.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से राइट कीजिएगा आंसर, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर कभी पढ़ते नहीं है, राइट कर देते हैं 2.5। देखिए दो ऑप्शन है इसलिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पेन, ब्लिस्टर, रेडनेस एंड इन्फेक्शन सीन इन विस्ट स्टेज ऑफ बर्न, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्न, बर्न से रिलेटेड आपका देखिएगा टाइप ऑफ बर्न, ठीक है, रूल ऑफ नाइन जो है बर्न से रिलेटेड ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और यहाँ पे पूछा गया पेन, ब्लिस्टर, रेडनेस है, इन्फेक्शन जो देखने को मिलेगा कौन सी डिग्री में मिलेगा, फर्स्ट डिग्री बर्न में, सेकेंड डिग्री बर्न में, थर्ड डिग्री बर्न में, या फोर्थ डिग्री बर्न में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है यहाँ पे, बोन एक्सपोज इन या बेड सो, बोन बिसो जी हड्डिया तक पहुंच गया है बेड सोर आपका, तक कौन सी स्टेज में जाएगा ये बेड सोर, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डियर, ऑप्शन फोर डी होगा, डी, फोर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 ml इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जा रहा है, 1000 ml इन्फ्यूजन स्टार्ट एट 2 PM एट द रेट ऑफ A1, देखिएगा 110 ml पर आवर, हाउ मच फ्लूइड्स इज इन्फ्यूज टिल 6:30 PM, 6:30 PM मतलब 1000 ml क्या करना, इन्फ्यूजन को स्टार्ट किया गया कितना बजे, 2 बजे किया गया है। इसे इन्फ्यूजन से क्वेश्चन आता है डियर फ्लूइड से कितना चलेगा, और रेट को कितना पर आवर से किया गया, 110 ml पर आवर के हिसाब से किया गया है। तो कितना फ्लूड होगा जाएगा 6:30 बजे तक, 6:30 बजे तक आपको कितना होगा, तो 2 बजे किया गया है, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6 हुआ, और आधा घंटा और कर दिया, मतलब 4.5 घंटे में आपका कितना फ्लूड जाएगा, और 1 घंटे में आपको कितना हो रहा है, 110, 1 घंटे में कितना हो रहा है, 110, यहाँ पे 110 जा रहा है, और प्लस कर दीजिए 110 को कितना, 4 आवर तक, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 410 आएगा, और 10 10 कर दिएगा तो 40 आएगा, 440, और आधे घंटे में कितना हुआ, 110 का आधा कितना होगा, 55 हुआ, 110 का आधा कितना हुआ, 55 हुआ, तो 140 प्लस जोड़ लीजिए यहाँ पे, 140 प्लस 55 कितना आएगा यहाँ पे, 140 प्लस 55 तो 1 कितना आएगा, 440, ठीक है ना, प्लस 55 तो कितना आएगा, 495 आएगा, कितना आएगा, 495 आएगा। और आपके ऑप्शंस में क्या क्या है, 500 है, 485 है, 385 है, और 785 है,
तो राइट आंसर इसमें कितना होगा, होना चाहिए आपके हिसाब से, राइट आंसर आप लोग भी पुट कीजिएगा इसमें। देखिए इसमें जो राइट आंसर, ना ही आपको 495 दिया है, ना ही आपका मतलब ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस नहीं आया है, क्योंकि 440 और 55 वही होगा, 95 होगा, 495। तो इसमें आपका एवरेज में लेके चलना, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा 500, यदि 500 रहता है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, राइट वे टू एडमिनिस्टर आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। पहले आपको क्या करना है, आई ड्रॉप डालोगे या फिर आई ऑइंटमेंट? आपको सही वे में जाना, सही तरीके से एडमिनिस्टर करना है। फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय ऑइंटमेंट, फर्स्ट ऑइंटमेंट फॉलोड बाय आई ड्रॉप, फर्स्ट आई ड्रॉप एंड आफ्टर 15 मिनट ऑइंटमेंट, फर्स्ट आई ऑइंटमेंट एंड आफ्टर 15 मिनट आई ड्रॉप। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया डियर, और राइट वे बोला गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राइट वे में देना है, तो आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट के बीच में यह फासला है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, कि पहले हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप देते, देन 5 मिनट के बाद, कम से कम मिनिमम 5 मिनट के बाद हम आई ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं, और यहाँ ऑप्शन में है कि 15 मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी तो एक्सेप्ट में है, तो कौन सा होता है, एमएमआर होता है या फिर रूबेला होता है, या फिर क्या होता है आपका, रूबेला होता है या रूबेला होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी में रूबेला, बी में मिजल्स है, सी में रोटा वायरस है, डी में डिप्थेरिया है। तो देखिए इसमें डिप्थेरिया अभी के टाइम में क्या पड़ रहा है, टीबी पड़ रहा है, टेटनस डिप्थेरिया, जो कि हम एज सून एज पॉसिबल जैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे वैसे हम तो फर्स्ट डोज देते हैं, देन सेकेंड डोज हम आफ्टर 4 वीक्स के बाद हम इंसर्ट करते हैं। तो इसमें डिप्थेरिया तो होगा ही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर भी क्या होगा, रोटा वायरस होगा। एक्सेप्ट में पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं आएगा, तो इसमें देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा कौन कौन सा, रूबेला, मिजिल्स और रोटा वायरस, लेकिन नहीं होगा कौन सा, ये नहीं आएगा डिप्थेरिया, क्योंकि हम डिप्थेरिया को क्या कर रहे हैं, अभी भी हम प्रेगनेंसी के टाइम में दे रहे हैं टीडी डोज, जो सभी स्टेट में तो नहीं लेकिन ये लागू कर दिया है, किसी किसी स्टेट में टीडी पड़ रहा है, टी और डी देखिए ऐसा रहता है, ये डोज पड़ रहा है, टेटनस और डिप्थेरिया, ताकि डी स्मॉल इसलिए है कि बिल्कुल नाम मात्र का बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में डिप्थेरिया का इसमें मिक्स कर दिया गया है, ताकि डिप्थेरिया से मदर्स और बच्चों को दोनों को बचाया जा सके, बचाया जा सके। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पोस्टेरियर फंटेनल, पोस्टेरियर फंटेनल कितने दिन में क्लोज हो जाता है, 8 वीक्स में, 6 वीक्स में, 24 वीक्स में, 2 वीक्स में। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 8 वीक्स, यानी कि 2 महीना में, यानी कि 2 महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम फॉर एंटी प्लेटलेट थेरेपी आफ्टर स्ट्रोक, आफ्टर स्ट्रोक, स्ट्रोक हो गया यहाँ पे, तो बेस्ट टाइम फॉर एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एंटी प्लेटलेट थेरेपी दिया जाएगा आफ्टर स्ट्रोक, यहाँ पे 12 to 24 आवर, 6 to 8 आवर, 12 to 36 आवर या फिर 2 to 4 आवर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, 12 to 24 आवर, यानी कि समझिए सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा होता है, 12 घंटा, लेकिन 24 घंटा के अंदर विदिन 24 आवर तक ये बेस्ट टाइमिंग होता है एंटी प्लेटलेट थेरेपी का आफ्टर स्ट्रोक के बाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। यदि आपको ऑप्शन एक ही रहेगा तो 24 नहीं रहता, 12 रहता, तो राइट आंसर आपको 12 करना, जो कि आइडियल टाइम होता है। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग इन आईवी कैनुला बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पहले उसकी आईवी कैनुला जो लगा हुआ था, इंसर्ट किया हुआ वेन में, वो क्या कर गया है, सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट क्लोटिंग, जो क्लोट कर गया जिससे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं जा रहा, ब्लड क्या हो रहा, नहीं जा रहा। तो राइट आंसर क्या होगा, डीएनएस का यूज करके फ्लश करोगे, या आरएल का यूज करके फ्लश करोगे, या नॉर्मल स्लाइज को फ्लश करोगे, या डेक्सट्रोज 5% से करोगे। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका, ऑप्शन सी होगा, नॉर्मल स्लाइज, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT, सर्जिकल सेफ्टी, सर्जिकल सेफ्टी यहाँ पे देखिएगा चेकलिस्ट की बात किया है, चेकलिस्ट की बात किया है, वो भी आपका कहाँ पे, ओटी में, वो भी आपका किसमें, ओटी में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी राइट आंसर आप लोग पुट कीजिए, राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा। इसमें ऑप्शन ए में आपका है, देखा जाए नोट पूछा गया यानी एक्सेप्ट जैसा ही क्वेश्चन है, एक इसमें क्या होगा इंक्लूड नहीं होगा, साइन इन साइन आउट टाइम इन टाइम आउट। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें आएगा आपका सी आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इसमें राइट होगा। देखिए यहाँ पे सी होगा, टाइम इन, टाइम इन इसमें नहीं आएगा, टाइम आउट इसमें रहता है, टाइम इन इसमें नहीं रहता है चेकलिस्ट में, सेफ्टी चेकलिस्ट से रिलेटेड ओटी के लिए, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, इज रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड दिया गया है, तो पालवाड़ी होगा या इंद्रधनुष होगा या फिर मिड डे मील प्रोग्राम होगा या ऑल ऑफ दी एबव आएगा, या ऑल ऑफ दी एबव आएगा। इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी होगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ इन या थ्री इयर्स ओल्ड चाइल्ड, 3 साल के बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं, कितने दांत होते हैं, 20, 32, 16 होगा या 24 होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन और टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन चाइल्ड, इंक्रीज अर्ली साइन पूछा है, अर्ली साइन पूछा है डियर, अर्ली साइन हो गया, मोस्ट कॉमन साइन हो गया, मोस्ट कॉमन कॉजेस हो गया, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो गया या फिर कॉम्प्लिकेशन हो गया, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में वोमिटिंग है, बी में इंक्रीज हेड साइज है, सी में बल्जिंग फंटानेल है, डी में हेडेक है, क्योंकि अर्ली साइन पूछा डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, हेडेक, हेडेक आएगा अर्ली साइन में। नेक्स्ट, विच एंटी साइकोटिक ड्रग मे कॉजेस एमिनोरिया, मे कॉजेस एमिनोरिया, तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम वाल्पोरेट, सोडियम वाल्पोरेट या फिर आपका लिथियम या फिर रिस्पेरिडोन या फिर फिनेटोइन या फिर फिनेटोइन, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी होगा, सी इज क्योंकि रिस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोन सी इज करेक्ट आंसर। ये एमनोरिया क्या कॉजेस पूछा, कारण पूछा है, एमनोरिया में क्या होता है, ये भी आपको क्या होता है, मेंस्ट्रुअल जो होता है पीरियड्स एब्सेंस हो जाती है, क्यों, क्योंकि मिसिंग या पीरियड, कभी कभी पीरियड्स मिस कर जाते हैं, या फिर आपका क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, इसके बाद ये होता है एमनोरिया आपका कहलाता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, रिस्पेरिडोन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल छाया, देखिए डियर कॉन्ट्रासेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, चार हो चुका है, इसे चार एक्सेप्ट में पूछा है, तो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनिशियली 2 टैबलेट गिवन वीकली या नॉट सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, बी नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें तो नहीं आएगा ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बात बाकी सबका सब कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, नॉन हार्मोनल तो है ही है, 2 टैबलेट्स लेना है और आपकी सेफ होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सेफ होता है। नेक्स्ट, ऑल आर द साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, लास्ट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में आपका क्या क्या देखने को मिलता है करेक्टिस्टिक्स, तो आपका इसमें कन्वर्जन जरूर रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, हाइपर देखिए हाइपरटेंशन कन्वर्जन रहेगा, ठीक है कन्वर्जन रहेगा आपका पूरा, और आपकी इसमें क्या रहेगी, प्रोटीन यूरिया रहेगी, किसमें, आपको एक्लेम्सिया में, लेकिन प्री एक्लेम्सिया का पूछा है, एक्सेप्ट ने पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, फीवर इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी हाइपरटेंशन तो होगा ही होगा, प्रोटीन यूरिया तो होगा इसमें, और एडिमा तो होता ही होता है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले वीडियो मिल पाए। यदि किसी तरह की और भी क्वेरी है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और किसी भी एम्स के और पेपर चाहिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।